हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदीब मोहसिन। अंतरजाल वाणी में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक सलाहकार सुधीर पाठक जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंतरजाल वाणी में। धन्यवाद बेटा। सुधीर जी, हम आपसे आज स्टूडियो में नेपाल की नक्शेबाजी पर चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे इस कोरोना महामारी के दौर में एक पिद्दी जैसा देश हमें आंखें दिखा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है हमारी दर्शकों को, आज आप बताएं। देखो बेटा, बेइज्जती जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बताओ यार, 70 साल में पहली बार इंडिया में शिलाजीत हींग बेचने वाले चौकीदार जो है वो सीमा पार कर रहे हैं, सरहद में घुस रहे हैं, और तो और 70 साल में पहली बार जंग लगी बंदूक से गोली भी चल गई है। अब गोदी मीडिया देखो, सास बहू दिखा रहा है साला। देखो बेटा, रक्षा मंत्री से हम एक बात कहना चाहते हैं कि भाई, इस बार कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा, इस बार कड़कड़ी वाली निंदा करने की जरूरत है। हाँ, और राहुल गांधी जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि बाबू, आप सत्ता नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। एक के बाद हम कहेंगे बेटा, और अब समय आ गया है कि हिंग शिलाजी सहित जो मोमोज का बहिष्कार किया जाए, तभी जाके जो है इसका अकल ठिकाना आएगा। समझे नहीं समझे? बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी आपका। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया बेटा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में।